बार लोकसभा चुनावी नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। सबसे ज्यादा जबरदस्त दंगल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर सपा बसपा का साथ धरा का धरा रह गया और भाजपा बाजी मार ले गई। सपा की कई सीटों पर लोगों की निगाहें थी, इन्हीं में से एक थी कन्नौज लोकसभा सीट, जहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। लगातार दो बार सांसद बनने वाली डिंपल की हार सपा कार्यकर्ता पचा नहीं सके और जो किया वो अखिलेश यादव भी देखना चाहेंगे। बता दें आपको, डिंपल यादव की हार पर उनके तीन समर्थकों ने दुखी होकर अपने सिर मुंडवा लिए। यही नहीं, उनकी हार के बाद पार्टी में भी बहुत ही दुख का माहौल छाया रहा। बताते चले आपको कि कन्नौज शहर इत्र की नगरी के तौर पर जाना जाता है। ये शहर समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, मगर इस बार सपा के गढ़ में भाजपा की सेंध ने साबित कर दिया है कि कोई सीट स्थायी नहीं होती है। SPN9 न्यूज़रूम की रिपोर्ट।